नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में मंदिर के पुजारी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुजारी की उम्र 85 वर्ष बताई जाती है, जो कि रात को मंदिर में पुजारी गोविंद दास अकेले ही मौजूद थे। इसी दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे गाँव में दहशत फैल गई। मंदिर में पिछले कई सालों से पुजारी के तौर पर रह रहे गोविंद दास की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरी वारदात का तब पता चला जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ ग्रामीण पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने पुजारी गोविंद दास को लहूलुहान हालत में देखा। इसकी सूचना तुरंत गुरुग्राम पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने पुजारी को मृत अवस्था में लहूलुहान पाया। हत्या की इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। बाबा मोहर्राम तीजन वाला जोड़ है यहाँ भैया, सुबह 6 बजे में आया था। उस टाइम मैंने अपने घर से चाय लेके बाबा को जगाया, 3-4 आवाज लगाई, बाबा नहीं जागा। तो मैंने उनका कम्बल उठाया, कम्बल उठाया, देखा तो गर्दन कटी हुई थी, नहीं अलग थी। बाबा का चेला रहता था वो 2.5 महीने यहाँ आया था। उसके बाद कल वो अपने घर चला गया, तो मैं सुबह घर से चाय ले आया। मैं बाबा अकेला, चलो मैं चाय दे देता हूँ। तो मैं आके देखा चाय दी तो मैं डेली चाय नहीं लाता था, मैं डेली आता था पूजा करने के लिए, चाय नहीं लाता। बाबा की 90-95 करीब उम्र, 35-36 साल से रह रहे थे यहाँ। सुबह अजय कुमार दायमा जी, जैसा कि रोज डेली वो आते हैं मंदिर पे पूजा पाठ करने के लिए, आज सुबह भी वो आए हैं। उन्होंने आके देखा है मंदिर पे महाराज जगे हुए नहीं मिले हैं उनको, तो उन्होंने महाराज को आवाज़ लगाई है 3-4 बार, फिर भी महाराज नहीं उठे हैं। तो उन्होंने महाराज की रजाई कमर को हटाया है, तो वहाँ पे देखा है कि महाराज का मर्डर हो गया है, महाराज का गर्दन वो शरीर से अलग पड़ी हुई है। और इस तरह की घटना आज तरह से गांव वालों में, गांव वाल और जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जिन लोगों को पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बड़ा रोष है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कादरपुर में काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर एक महाराज जी रहते थे पिछले 40 सालों से, जैसा कि गांव वाले बताते हैं कि 80 के आसपास वो आए थे और मंदिर को बनाने में उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो उन्होंने बड़ा अपना सहयोग करके इस मंदिर को स्थापित किया। पुलिस अपनी तरफ से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वाले आ रहे हैं, चेक कर रही है सारी चीज़ें जो ACP, DCP और तमाम पुलिस के SHOs और अधिकारी लगे हुए हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। तो मुझे लगता है कि पुलिस इस पे, और जो इनका एक डॉग स्क्वाड होती है वो भी आई हुई है, तो मुझे लगता है कि पुलिस इस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस बारीकी से काम कर रही है मुझे लगता है कि पुलिस इसको ढूंढने में कामयाब रहेगी। और जिस तरीके से महाराज जी का जो हत्या की गई है वो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि वो 85-86 साल की उम्र थी और ये एक बहुत बड़ा दुख है गांव बस्ती के लिए, पूरे एरिया के लिए, कि भाई ऐसा नरसंहार जो हुआ है वो गलत है, चाहे जिसने भी किया। पुलिस तो, गांव वाले तो यही चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस पे जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सब गाँव वालों को एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है कि इस तरीके का जो वाक्य हुआ है वो बहुत गलत है और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ इस एरिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी जो मंदिर में महाराज है उसकी इस तरीके से हत्या की गई। मंदिर के पुजारी गोविंद दास पिछले 30-35 सालों से लगातार मंदिर में ही रह रहे थे। यही नहीं, पिछले कुछ महीनों में उनकी हालत बीमारी के चलते काफी खराब ही चल रही थी। इसके चलते अक्सर वे अपनी 85 साल की इस उम्र में बेड पर ही रहते थे। जिस तरह से पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।